Good morning, dear student. Welcome to our online teaching session. चौथी कक्षा के हिंदी इस विषय में हम आज देखने वाले हैं. इसके पहले आपने अ और आ की मात्रा देखी है और आज हम देखने वाले हैं ई की मात्रा. ओके, यानी ये जो 12 खड़ी या अभी 14 खड़ी जो बनती है, इन मात्राओं की वजह से बनती है. और यहाँ पर आज हम देखेंगे ये ई. आप देख सकते हैं टू लाइन में ई किस तरह से लिखते हैं, लेकिन इस ई स्वर की जो मात्रा होती है वो कैसे होती है आप भी देखेंगे. आप अभी देखिए, पिंक लेटर में मैंने यहाँ पर मात्रा वो दी है और वो आपका इंग्लिश स्मॉल लेटर एफ की तरह होती है और वो हमेशा शब्दों के या फिर अक्षरों में लेफ्ट साइड में ई की मात्रा लगती है. सो दिस इज़ योर पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. जिनके पास ये टेक्स्ट बुक नहीं है वो मैं आपको फ़ोटो भिजवा दूँगी, आपको वो देख लेना है. सो पहला चित्र आप देख सकते हैं, ये क्या है, किताब. ओके, सो इस किताब जिसे आप बुक कहते हैं, टेक्स्ट बुक कहते हैं, तो इस किताब इस शब्द में क को ई की मात्रा लगी है और वो कौन से साइड में है बच्चों, यस लेफ्ट साइड में. देन यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर. वो चित्र क्या है, बर्ड है, यानी बर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, चिड़िया. सो चिड़िया इस शब्द में दो जगह पर ई की मात्रा लगी है, एक च को लगी है और एक ड को लगी है. ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये क्या है, व्हील. व्हील को हिंदी में क्या कहते हैं, पहिया. तो पहिया इस शब्द में कहाँ पर ई की मात्रा लगी है, यस यू आर राइट, कहाँ पर, ह को लगी है ई की मात्रा. और दूसरा जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सितार. तो सितार इस शब्द में कहाँ पर लगी है ई की मात्रा, करेक्ट ये स को लगी है. नाउ माय डियर चिल्ड्रन, ये आपके टेक्स्ट बुक में नीचे आपको फिर से लिखावट करने के लिए डॉटेड अक्षर में उन्होंने दिया है किस तरह से लिखना है. मैंने भी आपको यहाँ पर लिखकर बताया है. ये किसी दूसरे की लिखावट है जो आपको पेंसिल से दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने जो ब्लू लेटर में लिखा है उस तरह से आपका बहुत ही अच्छा हैंडराइटिंग होना चाहिए. सो डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू कंप्लीट दैट पेज विद द वेरी गुड एंड नीट हैंडराइटिंग एंड यू विल कंप्लीट टिल द ज्ञ को लग गई ई की मात्रा, नी. ओके, नाउ विल सी वन बाय वन. आपके ये टेक्स्ट बुक का सेकेंड पेज है इस लेसन का. आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर कुछ शब्द दिए हैं जो ई मात्रा के हैं. आप ध्यान से अगर देखोगे कि सभी अक्षरों में जहाँ जहाँ पर ई की मात्रा लगी है वो लेफ्ट साइड में है. और नीचे कुछ पैराग्राफ दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं और वो भी हमें पढ़कर देखने हैं. लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह ई की मात्रा हम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं. अब मैं ये शब्द लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए क्या लिख रही हूँ मैं. एनी आइडिया, यस देखिए ये आ गई पिंक कलर में ई की मात्रा और शब्द बन गया किताब. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कौन सा ये शब्द मैं लिख रही हूँ, यस करेक्ट आपके टेक्स्ट बुक में है वो आपको, यस. तो ये हो गया दूसरा शब्द पहिया, जिसे हम कहते हैं व्हील. सो डियर चिल्ड्रन, अब हम वन बाय वन ये जो टेक्स्ट बुक में आपके कुछ शब्द दिए हैं उसे पढ़ेंगे. तो ये शब्द कौन से हैं, देखिए, तकिया, देन किसान, टिकट, किशमिश, ओके, दिन, साइकिल. तो दूसरे साइड में कौन से शब्द है, बगिया, निशान, गिरगिट, झिलमिल, पीन और नारियल. सो इसमें से आपको सभी शब्द बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में जो आपके लिए जगह दी है वहाँ पर लिखने हैं. दोज डोंट हैव द टेक्स्ट बुक दे विल राइट इन द CW विच यू हैव मेंटेन फॉर द हिंदी. नाउ यू कैन सी हियर, मैं एक एक करके इस शब्द को शब्द का जो अर्थ है वो आप बताने की कोशिश करूँगी. यू लिसन वेरी केयरफुली डियर चिल्ड्रन. तो पहला शब्द है तकिया. तकिया यानी पिलो.
ओके, किसान जिसे हम कहते हैं फार्मर, टिकट यानी टिकट, किशमिश यानी जो हम ड्राई फ्रूट्स में खाते हैं जो ग्रेप्स होते हैं उसे हम कहते हैं किशमिश। देन दिन सबको पता है आज कौन सा दिन है, दिन कैसा है, साइकिल सबको पता है। देन बगिया यानी गार्डन, निशान यानी मार्क, देन मार्क यानी जो भी निशान हो जाता है, आप गिर जाते हो तो आपके शरीर पर निशान हो जाता है, तो या फिर आपने दीवार पर कुछ लिखा डॉट किया तो उसे हम कहते हैं निशान। फिर शब्द है गिरगिट, गिरगिट यानी क्या, चमेलियन। नेक्स्ट शब्द क्या है, झिलमिल, झिलमिल यानी शाइनिंग जो होता है, सितारे जो है वो क्या करते हैं, झिलमिल चमकते हैं। और पिन सबको पता है। देन नारियल यानी कोकोनट। आगे शब्द क्या है हम देखेंगे, हिरण, हिरण यानी कौन, डियर, ये एक जंगल में रहने वाला शाकाहारी प्राणी है जो मांस नहीं खाता, सिर्फ पत्ते या घास खाता है। गिलास यानी ग्लास जिससे हम पानी पीते हैं। दिया यानी लैम्प, खटिया यानी हमारा बेड। देन उसके बाद शब्द है किरण, सूरज की किरण। मिठास यानी स्वीट, स्वीटनेस। और किया, मैंने ये काम किया। और डाकिया यानी पोस्टमैन। सो इस तरह के जो शब्द आपको दिए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में पढ़कर दोहराकर लिखने हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो आपके लिए कुछ छोटा सा पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ में क्या है। देखिए, अमित ऊंट, आप चित्र में देख सकते हैं ये माँ है अपने बच्चे को उठा रही है और विंडो में से, खिड़की में से आपको सूरज दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर ये यहाँ पर कुछ लाइंस दी है और इन लाइन में, इन वाक्यों में सारे शब्द कैसे हैं, ई मात्रा के हैं, पहली ई वाले हैं। आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जो भी ई मात्रा के शब्द है वो शब्द में ई मात्रा लेफ्ट साइड में लगी हुई है। देखिए, अमित ऊंट, इस लड़के का नाम क्या है, अमित। दिन निकल आया, तो अमित ये शब्द में म को ई की मात्रा लगी है। दिन अभी हमने पढ़ा ऊपर वाले शब्द में, निकल आया यानी अभी ये दिन निकल आया है, यानी ये सूरज की किरणें आकर जाला दिन हमें दिखाई दे रहा है। तकिया उठाकर खटिया पर रख, माँ क्या कह रही है, वो तकिया यानी क्या, पिलो कहाँ पर रख, खटिया पर। साइकिल पर बाजार जा, साइकिल सबको पता है। देन बाजार जाकर किशमिश, मिठाई, नारियल ला। हाँ, किशमिश ये भी शब्द हमने ऊपर देखा है, मिठाई यानी ऑल सभी मीठी चीज़ें, और नारियल यानी कोकोनट। फिर किताब पढ़। इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि सभी वाक्य में ये सारे जो शब्द आए हैं, अमित, दिन, निकल, तकिया, खटिया, साइकिल, किशमिश, मिठाई, नारियल, फिर और किताब, ये जो सारे शब्द लेकर इन्होंने ये जो भी शब्द वाक्य बनाए हैं वो वाक्य आपको पढ़ने आने ज़रूरी है। और ये भी आपको देखना है कि ये किस तरह से ई मात्रा वाले शब्द इस छोटे से पैराग्राफ में ये जो वाक्य बनाए हैं उसमें कहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर माँ जो है अपने बच्चा जो है अमित उसको उठा रही है और वो कह रही है कि बाहर देखो अभी दिन निकल आया है, एंड इट्स मॉर्निंग नाउ, इस तरह से वो कह रही है। तकिया जो है वो हम सोने के लिए यूज़ करते हैं। पिलो, उसे उठाकर तुम क्या करो, खटिया पर रखो। और उठने के बाद उसने क्या कहा है, तुम्हें साइकिल लेकर बाजार जाना है। और बाजार क्यों जाना है, क्योंकि उसे बाजार से क्या लानी है, कौन सी चीज़ें लानी है, तीन चीज़ें हैं, कौन सी, किशमिश, मिठाई और नारियल। आपको सवाल आ सकते हैं, अमित बाजार से क्या लाएगा, क्या लाएगा, किशमिश, मिठाई और नारियल। सो इस शब्द जो हमने लिखे हैं किशमिश, मिठाई और नारियल में जहाँ पर भी ई की मात्रा लगी है वो ह्रस्व है, लेकिन मिठाई शब्द में ई दीर्घ है।
फिर माँ ने कहा है, जब तुम बाजार से आओगे तब तुम्हें क्या करना है, किताब पढ़ना है। इसलिए लास्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, फिर किताब पढ़, यानी ये सब काम होने हो जाने के बाद तुम बाज़ार जाओ, बाज़ार पहले जाओगे और बाज़ार से आने के बाद आपको किताब पढ़ना है, ऐसा माँ अमित को बता रही है। सो डियर चिल्ड्रन, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन, यू कम्प्लीट योर टेक्स्ट बुक प्रॉपरली। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू डियर चिल्ड्रन, दोज हु डोंट हैव द टेक्स्ट बुक, यू प्लीज़ राइट इन द CW. So till then, have a good day. Thank you.